तन समर्पित, मन समर्पित और या जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, उस प्रकार के जो घोषों में अपना लालन पालन हुआ। केंद्र के अंदर राज्य में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही, बड़े बड़े घोटाले हुए, सुरेश कलमाड़ी का नाम आया कॉमनवेल्थ घोटाले में, कोर्ट के माध्यम से जांच हुई और जांच हुई तो उसके बाद देश के राजस्व 20,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचा। घोटाले का जो बड़ा भाग है वो राजस्थान में है, राजस्थान में अब तक कांग्रेस की सरकार रही, तो उनके सरकार रहते हमारे आंदोलनों के बाद हमारे परिश्रम के बाद ये घोटाले सामने आए। आज जिनको कांग्रेस या विपक्ष जो है घोटाले बताता है वो घोटाले ना होकर घोटाले पर कार्रवाई है कि हम भी खाएं तुम भी खाओ आओ मिलकर मौज मनाएं। लेकिन जनता के एक बार एक जो सबकॉन्शियस मेमोरी में एक बात को आ गई कि दूसरे लोग जो है ना वो भ्रष्ट, घोटाले का कोई स्थान नहीं है हरियाणा में। हरियाणा के अंदर ये नौकरी का अधिकार नहीं था युवा को, अपने पास सिफारिश है और जेब में पैसा है तो नौकरी के बारे में सोच रहे थे। लोग हमें आकर ये बताते हैं कि साहब आपकी सरकार ने तो काया पलट कर दी, हम क्या काम करेंगे ये पार्टी तय करती है। नमस्कार, फिर से स्वागत है हरियाणा आज पर आपका। हरियाणा आज आपको हरियाणा की राजनीति के बारे में बताता है। हरियाणा की राजनीति को अगर आज के दिन कोई मजबूती से और बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े हुए तो पार्टी है भाजपा। सत्ता में भी है लेकिन संगठन भी उनका मजबूत है और राजनीति की नब्ज को पकड़े हुए है। पार्टी नहीं पकड़ती, पार्टी के अंदर जो नेता होते हैं वो पार्टी के लिए मजबूती से नब्ज को पकड़ते हैं राजनीति की। भाजपा के प्रवक्ताओं की लिस्ट में एक नाम है, जी हाँ, विधु रावल। विधु रावल एक ऐसा नाम है जो प्रवक्ता के तौर पर अपने आप को जिन्होंने साबित किया है, प्रूव किया है, और उतने ही अच्छे वो नेता भी हैं। अपने विधानसभा में भी वो लगातार सक्रिय रहते हैं जितना आप टीवी पर उनको देखते हैं। विधु रावल जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत रावल साहब। धन्यवाद जी। जी रावल साहब, टीवी पर जितना आप दिखाई देते हैं, प्रवक्ता के तौर पर अपनी पार्टी को डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं, विपक्षी दलों पर दहाड़ते हुए दिखाई देते हैं, कहां से लाते इतनी एनर्जी? एनर्जी कन्विक्शन के साथ आती है जी, और कन्विक्शन आती है सच्चाई के साथ। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक इस प्रकार का अनुष्ठान बन चुका है जिसने लोगों को, लोगों के जीवन में सुलभता और सुगमता लेकर आए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए हैं। तो जो लोगों का जिस प्रकार से जनसमर्थन हमें मिलता है, जनता का जनसमर्थन मिलता है, उनके जीवन में आए हुए जो बदलाव हैं, सुखद बदलाव जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारी धार जो है और पैनी होती है। लेकिन ये सुगमता की, ईमानदारी की बात तो आप करते हैं। जब विपक्ष दहाड़ता है विधानसभा में, अक्सर देखा जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गिनवाते रहते हैं, अभय चौटाला भी गिनवाते हैं कि कहाँ पर क्या घोटाले हो गए, तो क्या ये बातें सिर्फ आपके द्वारा कही जाती है? नहीं, एक अंतर है, एक बड़ा अंतर है। हमारा विपक्ष जब पूरी रात सोकर सुबह उठता है और अखबार में देखता है कि मनोहर लाल की सरकार ने इस, कहीं पर कोई अनियमितता है, कहीं पर कोई गड़बड़ी है, उस पर यह कार्रवाई की है, तो विपक्ष को पता चलता है कि कोई घोटाला हुआ है। अब यहाँ घोटाला पकड़ने वाला कौन है, विसल ब्लोअर कौन है? खुद सरकार है। जबकि पूर्व में हम देखा करते थे कि हम लोग जब विपक्ष में हुआ करते थे, हम लोग आंदोलन लड़ा करते थे, आंदोलन लड़ते थे, कहते थे भ्रष्टाचारी जो सत्ता पार्टी के होते थे उनके खिलाफ आंदोलन करने पड़ते थे, FIR भी दर्ज नहीं करते थे ये लोग। ओम प्रकाश चौटाला जी 10 साल तक जो है सजा भुगत कर आए हैं, क्या उनकी सरकार के समय FIR हुई थी? नहीं हुई थी। खुद केंद्र के अंदर राज्य में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही, बड़े बड़े घोटाले हुए, सुरेश कलमाड़ी का नाम आया कॉमनवेल्थ घोटाले में, FIR क्या कांग्रेस ने खुद दर्ज की थी? कोर्ट के अंदर भाजपा के सांसद किरीट सोमैया लड़कर जो है, और सड़कों पर हम लोग जो है जब प्रदर्शन करते थे उसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं हुई। कोर्ट के अंदर किरीट सोमैया जाकर FIR दर्ज करके आए, उसके बाद कार्रवाई हुई। 2G स्पेक्ट्रम का मामला था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में जाकर FIR दर्ज करवा कर आए। हमने एक पूरे का पूरा विंटर सेशन था उस समय, हमारे तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, वो सरकार से निवेदन करते रहे भाई FIR तो करो, जांच तो करो, जांच तो करो। कोर्ट के माध्यम से जांच हुई और जांच हुई तो उसके बाद देश के राजस्व में 20,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचा। कोयला घोटाला, इसके FIR किसने करवाई? बहुत सारे घोटाले हैं। इस घोटाले के फर्क है ना, फर्क बता रहा हूं। लेकिन आपकी सरकार, फर्क बता रहा हूं, डबल इंजन की सरकार, यशपाल जी फर्क बता रहा हूं जी। फर्क यह है कि
कि कोयला घोटाले के अंदर FIR करवाई भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने। अब जिन घोटालों की चर्चा आप कहते हैं उनमें से कौन सा ऐसा घोटाला जिसके अंदर विसल ब्लोअर हमारा या सिंपल एक चिट्ठी एक कागज पर पेन कर किसी कंप्लेनेंट जो है हमारा कोई विपक्षी साथी एक भी नहीं, ये तो सोए हुए थे केंद्र, ये सब केंद्र के आपने गिनवाए। लेकिन अगर हरियाणा की बात की जाए, रॉबर्ट वाड्रा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमीन लैंड डील के आरोप लगे, लेकिन उसमें आज तक कार्रवाई नहीं होती है। लंबे समय से लोग वेट कर रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई होगी? कार्रवाई चल रही है, उस पर जांच हो रही है, बहुत लंबी। देखिए जांच 10 साल कम थे, नहीं जांच उस पर चल रही है, निरंतर जांच चल रही है। वो केवल एक स्टेट का मामला नहीं, उसमें 3-3 स्टेट्स जो है शामिल है, और एक स्टेट में उसमें से जो हाँ महत्वपूर्ण जो है इस घोटाले का जो बड़ा भाग है वो राजस्थान में है। राजस्थान में अब तक कांग्रेस की सरकार रही है, तो इन विषयों को भी समझना पड़ेगा। दूसरा, जांच एजेंसीज जो हैं उनके पास पूरी स्वायत्तता है, उनके पास पूरी फ्रीडम है, पूरी लिबर्टी है, वो अपने काम को कैरी आउट करें। हम अगर इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना हो, क्योंकि ये एक जन सामान्य के मन में बैठी हुई बात है कि वाड्रा ने गलत तो किया है, लेकिन जांच एजेंसीज उसको क्या सब्सटेंशिएट कर पाती हैं? गलत भाजपा कहती है, लेकिन प्रूव नहीं हो पा रहा, सजा आज तक नहीं हो पा रही है, ये अपने आप में बड़ा विषय है। नहीं, अभी जांच चल रही है जी, जांच में एक के बाद एक साक्ष्य आ रहे हैं। अब क्योंकि जांच को हम प्रभावित नहीं करते, जांच में किस प्रकार क्या क्या चीजें आ रही है ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर कोर्ट के अंदर बार बार जाकर रॉबर्ट वाड्रा जी कहते हैं कि जांच को रोक दिया जाए, और कोर्ट के अंदर जांच एजेंसीज जो कागज प्रस्तुत करती हैं उसके बाद भी जांच जारी रहती है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। लेकिन आपके विपक्ष कहता है कि घोटाले तो इस सरकार में भी है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जब सरकार जाएगी तब घोटाले उजागर होंगे। ऐसा नहीं होता, कांग्रेस की जो मैंने घोटालों की जिक्र किया कुछ जो है जिनका उदाहरण दिया, वो उनके सरकार रहते हमारे आंदोलनों के बाद हमारे परिश्रम के बाद ये घोटाले सामने आए, सतह पर आए। इसी प्रकार से आज जिनको कांग्रेस या विपक्ष जो है घोटाले बताता है वो घोटाले ना होकर घोटाले पर कार्रवाई है, वो घोटाले पर कार्रवाई को घोटाला बताकर प्रस्तुत करते हैं। जबकि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिस प्रकार इस देश के अंदर इस प्रदेश के अंदर एक राजनीतिक संस्कृति बन गई थी, हम भी खाएं तुम भी खाओ आओ मिलकर मौज मनाएं, उसके बाद एक नई संस्कृति इस देश की जनता ने चुनी जो कहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जब भी रात को जब देशवासी और प्रदेशवासी सोते हैं तो देशवासियों को पता है कि जो हमारे सोने के बाद भी इस देश के अंदर जो प्रमुख स्थान पर देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं वो इस देश को सुरक्षित रखे हुए हैं हर प्रकार की विपदाओं से, हर प्रकार के दुश्मनों से, हर प्रकार के घोटालों से। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सबको पता है मनोहर लाल जी जो हैं, वही मैं जानना चाहता हूं कि 2024 में मनोहर लाल की ईमानदार छवि, सरकार की ईमानदार छवि को लेकर ही चुनाव में जाया जाएगा, जनता के बीच जाया जाएगा, कोई और फैक्टर भी रहने वाले हैं? देखिए मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं हर चुनाव में, हर प्रकार से रहते हैं, ये संगठन भी तय करता है कि किन किन विषयों को ज़्यादा प्रमुखता से रखना है। लेकिन जनता के एक बार एक जो सबकॉन्शियस मेमोरी में एक बात तो आ गई कि दूसरे लोग जो है ना वो भ्रष्ट हैं, बहुत मुश्किल से जनता के हाथ में जनता की सरकार बनी है, अब तक राजघरानों की सरकार थी, अब तक जातिवाद का बोलबाला था, अब तक क्षेत्रवाद का बोलबाला था, अब तक वंशवाद का बोलबाला था, एक ऐसी सरकार बनी है जिसने हरियाणा के जनजन की बात की है, तो निश्चित तौर पर यह सबकॉन्शियस मेमोरी में रहेगा। ईमानदार सरकार बनी है, घोटालेबाजों को जिन्होंने एग्जिट किया है, घोटाले का कोई स्थान नहीं है हरियाणा में, ये सोच सकना ही बड़ा मुश्किल था, लेकिन आज इसको हमने यथार्थ पर होते अपनी आंखों से देखा है। हरियाणा के अंदर तो नौकरी का अधिकार ही नहीं था यशपाल जी, तो क्या हरियाणा के अंदर नौकरी का अधिकार नहीं था युवा को? जी युवा नौकरी नौकरी पर्ची विशेष क्षेत्र में चली जाती थी नौकरी नहीं, जेब में पर्ची जी और जेब में खर्ची, यानी अपने पास सिफारिश है और जेब में पैसा है तो नौकरी के बारे में सोच रहे थे। देखो असंख्य युवा जो हैं वो किस प्रकार से किन कामों में घुसे हुए थे इस एक कमी के कारण। विदुर रावल जब अपने विधानसभा में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, यही सब बातें बताते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने काम कर दिया, नौकरियां दे दी, घोटाले नहीं हुए हैं, विपक्ष ने क्षेत्रवाद किया, विपक्ष ने जातिवाद किया था, क्या यही सब गिनवाते हैं? जब आपके टीवी पर होता हूं उस समय तो गिनवाना जरूर पड़ता है, लेकिन जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमें आकर ये बताते हैं कि साहब आपकी सरकार ने तो काया पलट कर दी, किस बात कब कहां कहां किन किन के हुक्के भरने पड़ते थे, किन की चाय भरनी पड़ती थी, किन के पीछे गाड़ियां तुड़वानी पड़ती थी तब नौकरी लगती थी जी। आज कोचिंग सेंटर में खड़ी हुई भीड़ जो है वो बताती है
कि आज संभालखा के अंदर बापोली के अंदर बापोली के साथ एक गांव छोटे से गोयला में अपने हाथ से काम करने वाले लोग जो हैं उनके बच्चे भी जो हैं जिस प्रकार से नौकरियां लग रहे हैं बिना किसी राजनीतिक सिफारिश के लग रहे हैं, गरीब के नौकरी देना एक अपने आप में स्वप्न की बात थी। कोचिंग सेंटर की भीड़ अपने आप में इस बात को प्रमाणित करती है कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव। चलिए अब मुझे बस इतना बता दीजिए चलते चलते कि विदुर रावल प्रदेश की राजनीति में इतने ज्यादा सक्रिय हैं या फिर अपने विधानसभा पर भी ध्यान दे पाते हैं, लक्ष्य क्या है, प्रदेश में तिवारा सरकार लेकर आना या फिर खुद के लिए भी एक सीट को रिजर्व कर लेना। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति ही किसी प्रकार की सीट को रिजर्व करने वाले विषयों पर नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में अपने कार्यकर्ताओं से अपेक्षा रखती है, हम क्या काम करेंगे ये पार्टी तय करती है, हमें जो हमारा संगठन हमारा जो दल जो है हमें जो कहता है हम वो काम करते हैं, जिस भूमिका में रखता है उस भूमिका को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं और उसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जिस प्रकार से भी हमारी पार्टी हमारे लिए रखती है। जहां रही बात संभालखा की, तो संभालखा मेरा घर है, मेरे अपने लोग हैं, अपने लोगों के बीच में जब 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 छुट्टी यहाँ से होती है तो वहाँ रहना ही होता है हमेशा, तो इस नाते जो है अपने लोगों के बीच में काम करना निश्चित तौर पर एक सुखद रहता है, अच्छा रहता है। तो पार्टी से जब, संगठन से जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा तब धनुष कमान तानेंगे या फिर वो तान रखे हैं विदुर रावल ने? देखिए हमारे यहाँ पर धनुष तानने का कोई सवाल नहीं है जी, हमारे यहाँ तो निरंतर ये सतत चलना, चलते रहना, चरैवेति का हमें मंत्र जो है हमें कंठस्थ करवाया हुआ, हम तो 12 माह चलने वाले लोग हैं, हम निरंतर लोगों के बीच में रहते हैं, चाहेंगे मौका मिले ये पार्टी तय करेगी। पार्टी विदुर रावल की इच्छा, विदुर रावल और असंख्य विदुर रावल जो इस पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं उन सब के सबको ये भाव बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पर पार्टियां तय करती हैं, यहाँ पर लोग अपने लिए फैसले नहीं लेते, यहाँ पर संगठन तय करता है कि किसने क्या काम करना, यानी रच बस चुके हैं संगठन में उसी विचारधारा में बाल्यकाल से। तन समर्पित मन समर्पित और या जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, इस प्रकार के उद्घोषों में अपना लालन पालन हुआ है, तो इससे कोई इतर तो बात विदुर रावल के संस्कारों में तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो विदुर रावल जी थे प्रवक्ता के तौर पर, आपने विभिन्न टीवी चैनलों पर इनको देखा होगा, हरियाणा आज पर भी आते हैं, अब काफी अंतराल हो गए इनको आए हुए, कोशिश करेंगे कि विदुर रावल जी फिर हमारे महासंग्राम में आए। कैसा लगता है, क्या लगता है कि वो मुखर प्रवक्ता हैं, वो अग्रेसिव हैं, अटैकिंग है या डिफेंसिव है, किस तरह के हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार हरियाणा आज के साथ बने रहिए।